बंदी छोड़ महाराज के देख लो भाई, जो गुरु कहे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये क्रिया ठीक नहीं है, ये संत जिसको वो मना करे, फिर आप उसके संलग्न में जाते हो तो आप वही हालत में हो जाओगे जिस प्रकार सीता के साथ हुआ। महाराज कहते हैं कि लंका कार उलंग दी राम की और सीता लंक में झारे। एक थोड़े से बात का ऊपर कितना बड़ा कुकर्म पाथ लिया। तो यहां महाराज कथा ये कह रहे हैं और आत्मा को जगा रहे हैं। कल भी आप परसों सुनाई थी कथा, हनुमान जी जब गया था वहां पर मुद्रिका डालने के लिए और वापस आया, जब पूछा है राम के भाई ने बता दे वह किस टांग से रहा करती थी, कोई हार श्रृंगार करे से या किसी पर इतनी रोटी की खाई, कहां जमाया तेरे को। भाव ये था कहने का, अगर वो रावण के लालच में आ चुकी है तो क्यों दुनिया मरवाई पड़ी रहेगी, अगर उसकी सच्ची आस्था तेरे में है तो छुटवा कर लानी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जावे। इसी प्रकार सतगुरु महाराज हमें कहते हैं कि अगर पूरी आस्था तू मेरे में, मेरा रूप मेरा संत है उसमें रखेगा तो तेरी छुटकारा दुआ दूंगा, और तू उसी प्रकार अगर व्यक्ति खराब रखेगा तो फिर घूमता रहिए यहाँ पर अपनी होशियारी और शानपत के कारण, अपनी होशियारी अपने मनमुखी होने के कारण आज चौथे युग में हम भटक रहे भ्रम रहे हैं। और यह हमारे अपनी निमती कोई भक्ति बड़ी नहीं से, मर्यादा ज्यादा लाभदायक से। जैसे अभी बताया था आपको कि गरीबदास महाराज यानी कोई भी संत है पर परमात्मा है, ये बिजली की त्रिया है, काम कितना है लो लेकिन इतना काम या देवा है तो ये मत समझना कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, लाड करेगी तेरे तय, अगर जरा सा भी नियम भंग कर दिया बेड़ा कमारेगी, खत्म कर देगी आपको। इसी प्रकार परमात्मा बहुत प्रिय है, परमात्मा बहुत शीतल है, इसके विपरीत इसके नियम तोड़ देने से इसको बहुत बुरा लगे ऐसा और जीव को साथ नहीं देता। को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्लॉग TV 24।